बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार के सत्ता पर नीतीश कुमार 16 सालों से विराजमान है और लगातार नीतीश कुमार खुले मन से बेटियों को बचाने और पढ़ाने की बात करते हैं। महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार हमेशा अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन उनके राज में हकीकत कुछ और ही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरा विश्व महिलाओं को प्रोत्साहित करने में लगा और खुद को महिलाओं के लिए रहनुमा बताता है, लेकिन इसी बीच एक महिला अपनी बच्ची के साथ दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन इसे देखने सुनने वाला कोई नहीं है। महिला आज अपनी छोटी सी बच्ची के साथ बिहार विधानमंडल परिसर के बाहर पहुंची, हाथों में पोस्टर लिए काफी समय तक दर दर भटकती रही, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। जिसके बाद वहां बिहार विधानमंडल परिसर के बाहर पहुंची, लेकिन सत्र चलने की वजह से उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद वह सड़क किनारे ही अपने हाथों में पोस्टर लेकर अपनी बेटी के साथ खड़ी रही शांतिपूर्वक। लेकिन जिस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और नीतीश के शासनकाल में जो नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, वो सीधे तौर पे उनके कार्यशैली पे भी सवाल खड़ा हो रहा है। पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो जो महिला अपनी बच्ची के साथ पहुंची थी, पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया जाता है कि वो महिला की जमीन दबंगों के द्वारा हड़प ली गई है और अपनी फरियाद को लेकर वो इधर उधर भटक रही है, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। जब महिला से हमने बात की तो महिला ने कहा, कुछ दबंग मेरी जमीन पर कब्जा कर रखे हैं और कई बार कोशिश किया, लेकिन कहीं से भी मदद नहीं मिल पाई। कुछ हद तक कब्जा कर भी लिया, इसको लेकर हर जगह गई, अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन सभी कहीं ना कहीं टाल मटोल करते नजर आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में महिलाओं की उत्थान की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं की क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं। बिहार में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला, लेकिन महिलाओं की स्थिति बिहार में बिल्कुल ठीक नहीं। अगर महिला अपने अधिकारों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उन्हें धमकियां दी जाती है, डराया जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर जो महिला है उनको न्याय मिल पाता है या न्याय के लिए दर दर भटकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC 24। क्या कहेंगी महिलाएं बिहार में कितनी सुरक्षित हैं? पहले भी आप गुहार लगाई है, क्या मांग है आज विधानसभा पहुंची है? सर, मेरा मांग है कि मेरी बातों को सुना जाए, महिलाओं को सुरक्षा दिया जाए। उसको ये डर नहीं होना चाहिए कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ तो मुझे पुलिस से डरना चाहिए या प्रशासन से डरना चाहिए। अगर मैं प्रशासन के पास 4 बार गई हूँ मांग करने के लिए तो प्रशासन को इरिटेट नहीं होना चाहिए कि अभी तक आपका मामला सॉल्व नहीं हुआ 1.5 साल में। तो ये तो कमी आप में है ना, मेरे में तो नहीं है। मेरा तो प्रॉब्लम ही है 1.5 साल से। तो ये प्रशासन, पुलिस और ये न्यायपालिका जो जर्जर हो रखी है उस पर प्लीज़ ध्यान दिया जाए, वर्क किया जाए उस पर। बस मैंने अभी कुछ दिन पहले विधानसभा का सुना था नीतीश कुमार जी का कि DCLR लेवल पे सॉल्व किया जाए मैटर। ऐसा कुछ है कि 2023 तक वो बहुत सारे मतलब कि भू माफियाओं का मुंह बंद कर देंगे, जैसा मैंने सुना। तो बट ऐसा हो नहीं रहा है। मेरे साथ तो DCLR रिपोर्ट भी है जो एक ऑर्डर के बाद आई है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद, उसको भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट लोकाधिकार का है, लोक शिकायत अनुमंडल से, वो भी मेरे दखल कब्जे में है, बट मुझे फिर भी तंग किया जा रहा है। मेरी बाउंड्री तक तोड़ दी गई, मेरी माता जी उसी बीच चल बसी और FIR भी नहीं हुआ उसका। कहाँ का मामला है ये? कदम कुआ थाना का मामला है, नाला रोड का। आज भी महिला को पुलिस से डर लगता है? मुझे बहुत डर लगता है। महिलाओं को तो मैं महिला हूँ, मुझे डर लगता है। सारी महिलाएं जो, हाँ, सबको डर लगता है। पुलिस डराती है। हाँ जी, देखिए मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि ज्वेलरी शॉप में कुछ मतलब चोरी हुई थी, तो उसमें गरीब तबके के लोग थे, जो भी मान लीजिए बहुत हाई क्लास नहीं था, तो उसको 3 दिन में 4 दिन में दबोच लिया गया। तो जब मैं नाम ले रही हूँ, जब मैं CCTV फुटेज दे रही हूँ, तो अगर कोई आदमी दबंग है और कोई वेल नॉन पर्सन है तो उसको क्यों नहीं दबोच करके जेल में डाला जा रहा है? आप मुझे बस ये बताइए, अगर मेरे पास सबूत है। अब ये कौन लोग हैं ये मैंने पुलिस में भी बता रखा है, मैंने प्रशासन को भी बता रखा है और मैं कोर्ट भी गई थी, तो कोर्ट वाले मुझे बोलते हैं कि मैडम आपका मामला हमारे यहाँ नहीं चल रहा है, प्रशासन में चल रहा है, प्रशासन के पास जाइए या फिर पुलिस के पास जाइए। आज भी महिला सुरक्षित नहीं? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है भाई, बस शराबबंदी कर दीजिए सुरक्षित हो जाएंगी, ऐसा नहीं है।